नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप वीडियो का टाइटल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत जो अपार्टमेंट्स आते हैं उन अपार्टमेंट्स में अपने फ्लैट को बुक करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में, और इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस डेवलपर का प्रोजेक्ट आ रहा है उस डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में, उसके पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, उसने अगर पास्ट में किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रखा है या पोजीशन दे रखा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में आपको जरूर चेक करना चाहिए एक बार। इसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस जगह पे आ रहा है, यानी किस शहर में है, किस सेक्टर में है। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट जो है कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने टावर हैं, कितने फ्लोर हैं और कितने टाइप के अपार्टमेंट जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको 3-4 डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको चेक करना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का लाइसेंस चेक करना चाहिए। आप लाइसेंस चेक करने के लिए आप TCP हरियाणा यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की वेबसाइट पे जाकर आप जो है लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस प्रोजेक्ट के बिल्डिंग प्लान को चेक करना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल आया है या नहीं आया है, और बिल्डिंग प्लान क्या है आप ये भी जो है आप TCP हरियाणा की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम रेरा सर्टिफिकेट कहते हैं, क्या वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, क्या उसे रेरा से सर्टिफिकेट मिल चुका है, अगर हाँ तो आपको उस प्रोजेक्ट के रेरा नंबर को भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। आप रेरा नंबर को वेरीफाई करने के लिए हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर जाके आप उस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आ रखे हैं तभी आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इन 3 डॉक्यूमेंट के बाद भी आपको एक चौथी चीज भी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या उस डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है। आपको ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया है, क्योंकि सिर्फ रेरा आने से ही आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, डेवलपर को उस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्च भी करना होता है। तो उस डेवलपर ने किस न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, क्योंकि एज पर पॉलिसी जो है 1 इंग्लिश और 2 हिंदी न्यूज़पेपर में डेवलपर को ऐड देना होता है, क्या वो ऐड आ चुका है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का ऐड आ चुका है तभी आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा कई बार यह भी देखने में आया है कि बहुत सारे जो डेवलपर हैं उनके एम्प्लॉइज हैं और उनके एजेंट्स जो हैं वो आपको प्रोजेक्ट आने से पहले ही आपसे कहते हैं कि सर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आप तो अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपना चेक आप मुझे दे दो, ताकि जब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपका सबसे पहले आपका जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म फिलअप करा देंगे। और कई बार आपसे यह भी कहा जाता है कि डेवलपर जो है वो फर्स्ट डे ही अपनी बुकिंग को क्लोज कर देगा, उसके बाद आपसे बुकिंग नहीं लेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे किसी भी आप बहकावे में ना आए, और आप जो है सोच समझ कर ही जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो तब तक आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट, अपने पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपने चेक किसी को भी ना दें। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं, एजेंट्स हैं, जो डेवलपर के एम्प्लॉयज हैं, वो लोग एक EOI फॉर्म को लेकर भी आ जाते हैं कि सर ये EOI फॉर्म है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, आप इसको फिलअप कर दो, जो एक A4 शीट के ऊपर कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी होती है, और उसके साथ आपसे कहते हैं कि आप चेक दे दो बिना डेट का और पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना फोटो दे दो। कई बार जो है बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो लोग जो है कस्टमर से कुछ कैश की भी रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप मुझे 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये मुझे कैश दे दो ताकि मैं आपको कंफर्म अलॉटमेंट दिला दूंगा, आपको मैं फर्स्ट डे जैसी बुकिंग ओपन होगी तो आपकी बुकिंग कंफर्म करा दूंगा। मैं आपको मैं बता दूं कि आप इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए और अपने पैसों को किसी को भी ना दें। किसी भी प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्च से पहले अगर आप अपना उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों को वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस प्रोजेक्ट की साइट विजिट भी आपको जरूर कर लेनी चाहिए। आप बिना साइट विजिट के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे आप जो है फ्यूचर में आपका इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल सेफ हो सके। इसके अलावा
आप किसी भी प्रोजेक्ट की साइट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कई बार वहां पर बहुत सारे जो अनऑथराइज जो एजेंट्स होते हैं वो वहां पर टेंट लगे बैठे होते हैं। तो आप ऐसे किसी भी अनऑथराइज पर्सन के साथ में डील ना करें, आप कंपनी से और कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन है सिर्फ आप उनके साथ ही जो है डील करें और उनको ही फॉर्म को फिलअप करके दें। अब हम बात करेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको जो है जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना एक पैन कार्ड, अपना एक आधार कार्ड, अपनी एक फोटो और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके अलावा आप जो है जो भी आप टाइप का अपार्टमेंट चूज कर रहे हैं उस टाइप का जो टोटल कॉस्ट होगा उसके 5% अमाउंट का आपको एक चेक देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें जो है कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास में कोई और अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही कोई अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट आपने ले रखा है तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों में से एक ही फ्लैट को रखना होगा, आपको एक फ्लैट को सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार देखने में आया कि बहुत सारे एजेंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट में दो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो, तीन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे किसी भी बहकावे में मत आइए। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपने नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के नाम से दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट ने जो है इसमें कुछ प्रेफरेंसेस अभी अमेंडमेंट किया था, उनमें से कुछ प्रेफरेंसेस को चेंज किया है, जिसमें सबसे पहले जो है इसमें अपार्टमेंट उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग जिस सिटी के अंदर वो प्रोजेक्ट आ रहा है। मान लिया अगर कोई प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो गुड़गांव के उन लोगों को मिलेगी जो गुड़गांव के निवासी हैं और साथ ही साथ उनका PMAY के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनको दी जाएगी। इसके अलावा जिस सिटी में प्रोजेक्ट है हरियाणा के उस सिटी को छोड़ के जितने भी हरियाणा के अदर सिटीज हैं सेकंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। अगर वो किसी और सिटी के हैं तो उनका अगर PMAY के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो सेकंड प्रेफरेंस जो है उनको दी जाएगी। इसके बाद जितने भी लोग हैं उन सभी को थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी और फोर्थ प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कहीं और कोई प्रोजेक्ट है या कहीं और उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रखा है। लेकिन अगर आपकी दो अलॉटमेंट होती हैं, आपके दो प्रोजेक्ट में आपका नाम निकल जाता है तो आपको एक प्रोजेक्ट को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करना चाहिए, आपको किसी भी तरह का EOI फॉर्म जो है वो आपको नहीं फिलअप करना चाहिए। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। मेरे पास अभी यहाँ पर जो है 5-7 डेवलपर्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ये पिरामिड ग्रुप का प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बाद रखते हैं ये MRG ग्रुप के प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अलावा मेरे पास ये माहिरा ग्रुप का है, मेरे पास GLS ग्रुप का है और मेरे पास जो है वो ROF ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म है। सो आप ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म को ही फिलअप करें। हर ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है मेंशन होता है। अगर आप देखेंगे तो हर फॉर्म के ऊपर जो है इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है वो मेंशन होता है। सो आप ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप खुद ही फिलअप करें, आप किसी एजेंट को ना दें उसको फिलअप करने के लिए। कई बार देखने में आया है कस्टमर जो है वो एजेंट्स को जो है अपने पैन कार्ड, अपने आधार कार्ड की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं, अपने चेक को कूरियर कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ही साइन कर दो, मेरे बिहाफ पे ही फॉर्म फिलअप कर दो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का प्रैक्टिस मत करें, आप जो है खुद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खुद फिलअप कीजिए या अपने किसी फैमिली मेंबर से उसको फिलअप कराइए और तभी उसको सबमिट कीजिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो है आप सिर्फ जो है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिए, साथ ही साथ आप जो है एप्लीकेशन वो आप कैपिटल लेटर
लेटर में ही पूरा फिलअप कीजिए, आप कहीं पे भी जो है स्मॉल लेटर्स में आप उसको फिलअप मत कीजिए। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपको किस टाइप के अपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसका साइज क्या है, इसको रीवेरीफाई कर लेना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म में सही तरीके से अपने टाइप को और अपने साइज को मेंशन करना चाहिए। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप करना चाहिए आपको, कहीं भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। जो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं उसको आप जो है क्रॉस करके जो है नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना चाहिए। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सही तरीका जो है क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के एक डेमो मैं आपको दिखाऊंगा और आप फ्यूचर में इसी तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया कीजिए। तो गाइस मैं आपको अब जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए। सो मेरे सामने एक ये फॉर्म रखा हुआ है पिरामिड ग्रुप का, पिरामिड एलीट प्रोजेक्ट का। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, जिसमें जैसे ये फॉर्म पहला फॉर्म है, इसमें आपको जो भी डिटेल्स भरनी है वो सारे के स्क्वायर बॉक्सेस इसके अंदर बने हुए हैं, आपको इसके अंदर फिलअप करना होता है। दूसरा जो टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो मेरे सामने एक एमआरजी ग्रुप का बालकनी का फॉर्म है, इसमें आपको जो है नॉर्मल जो है स्ट्रेट लाइन्स हैं, आपको इनमें ही आपको जो है फिलअप करना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आप सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल लेटर में लिखिए और ब्लैक और ब्लू पेन से लिखिए। अब मेरे सामने जो ये फॉर्म है, मैंने इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर दिया है और आपको दिखाता हूँ। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है यहाँ पर जो है अपार्टमेंट्स की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन से टाइप के अपार्टमेंट हैं, उनके साइज़ क्या है और उनका बुकिंग अमाउंट और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद में ये मैंने एक डेमो के लिए एक आपको एक फॉर्म फिलअप करके दिखाया है। सो यहाँ पर आप जो है अपना नाम, इसके बाद अपना फादर्स नेम जो है, आप सन ऑफ है, वाइफ ऑफ है, डॉटर ऑफ है, जो भी आपका एप्लीकेबल है आपको उसको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप करनी है, नेशनलिटी आपके जो है इंडियन है तो आपको इंडियन, और उसके बाद ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, आपका प्रोफेशनल कोई काम है, सो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आपको जो है यहाँ पे फिलअप करना है, आपके रेजिडेंट है और या नॉन रेजिडेंट है यहाँ पे। इसके बाद में आपको जो है पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर लिखना बहुत ही मैंडेटरी है, सो आपको उसको ध्यानपूर्वक आपको लिखना होगा इसके अंदर। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस आपको लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हो। अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं बाहर का है तो वही एड्रेस यहाँ पे आएगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। इसके बाद जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद अपना मेल आईडी और अपना टेलीफोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन करना बिल्कुल भूलिए, जिससे आपको जो कंपनीज में आफ्टर अलॉटमेंट जो है या आफ्टर ड्रॉ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपको मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स डालनी अपने बैंक की, यहाँ पर डिटेल आपकी उसकी आएगी जिसने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है। जैसे यहाँ पे मिस्टर प्रशांत ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, सो यहाँ पर जो प्रशांत की बैंक की डिटेल है उसको सारा आपको फिलअप करना होगा कि किस बैंक में अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है और ब्रांच का एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होंगी। कई बार क्या होता है कि जो चेक होता है वो थर्ड पार्टी चेक होते हैं, जैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है और चेक जो है मेरी वाइफ ने दे दिया है, या फिर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और चेक मेरे फादर ने दे दिया है, उस केस में भी जो है यहाँ पर जो डिटेल आएगी वो सिर्फ मेरी ही आएगी क्योंकि मैंने ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर आपका अनसक्सेसफुल होता है या फिर किसी भी रीजन से अगर आपको रिफंड करना होता है तो वो आपके इसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक आपको जो है एक अपनी फोटोग्राफ जो है पेश करनी होगी, सेम एज इट इज ही आपको सेकंड एप्लीकेंट के लिए फिलअप करना है। अगर सेकंड एप्लीकेंट कोई नहीं है तो आपको इस पेज को पूरा क्रॉस कर देना है और आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हर पेज में जो है नीचे आपको साइन करना है, ये साइन करना जो है बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके अलावा जो है अगर सेकंड एप्लीकेंट यहाँ पर है तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेंट में साइन करेगा, अगर कोई एप्लीकेंट नहीं है तो इसको आप क्रॉस करके नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। इसके बाद ये थर्ड पेज है, इसमें आपको जो है कुछ आंसर्स आपको यहाँ पे देने होंगे कि जैसे जैसे पॉइंट नंबर वन है कि वेदर द एप्लीकेंट और देयर स्पाउस और देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन इज द आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी ऑफ द सैड टाउन आइडेंटिफाई अंडर द पीएमएवाई स्कीम। क्या जो एप्लीकेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या उसके स्पाउस जो है या उसके वाइफ या हस्बैंड या उसके जो बच्चे हैं वो हरियाणा में जो है उस सिटी के अंदर कहते हैं जहां पर प्रोजेक्ट है वहां के हैं और क्या उन्होंने उसमें पीएमएवाई के तो उसमें रजिस्टर कर रखा है। अगर उन्होंने यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसको अपने यहां पर यस करके
रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। अगर नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए और आगे भी आपको नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। अगर जिस सिटी में प्रोजेक्ट है हरियाणा के और जो पर्सन अप्लाई कर रहा है वो उस सिटी के अलावा किसी और सिटी से है और उनका रजिस्ट्रेशन जो है PMAY के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो यहाँ पर उसको यस करना होगा सेकंड पॉइंट को और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट यहाँ पर डालें। अगर नहीं है तो इसको आपको क्रॉस कर देना है। आपका जो भी चीज अप्लीकेबल हो उसमें आपको क्रॉस करना है, जो अप्लीकेबल नहीं है उसको क्रॉस करके नॉट अप्लीकेबल आपको लिख देना है, जैसे आपको आप सामने देख रहे फॉर्म पे मैंने कर रखा है। इसके बाद फोर्थ पेज में जो है यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स की डिटेल मांगी हुई है, सो मैंने यहाँ पे सारी अपार्टमेंट की डिटेल जो है फिलअप कर दी है, चेक अमाउंट मैंने फिलअप कर दिया है, चेक नंबर, डेट, किस बैंक का चेक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दिया है। जो चीज अप्लीकेबल नहीं है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उसको आप जो है क्रॉस करके नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज आती है साइन करने वाली वो है इसका एफिडेविट। सो इसके एफिडेविट को भी आपको जो है बहुत ध्यान से फिलअप करना है। अगर आप प्रेफरेंस वन में आते हैं तो आपको प्रेफरेंस वन फिलअप करना है, अगर आप प्रेफरेंस टू में आते हैं तो प्रेफरेंस टू आपको फिलअप करना है। दोनों ही आपको एफिडेविट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इनको आपको क्रॉस करके नॉट एप्लीकेबल कर देना है। सो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं प्रेफरेंस थ्री में मैंने अपना फिलअप किया है, सो मेरा प्रेफरेंस थ्री मैंने अपने फॉर्म को पूरा फिलअप कर दिया है, अपने एफिडेविट को पूरा फिलअप कर दिया है और यहाँ पर दो सिग्नेचर होते हैं, मैंने दोनों सिग्नेचर को कर दिया है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस टाइप के अपार्टमेंट में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आपको उस अपार्टमेंट के फ्लोर प्लान पे आपको टिक करके वहां पर अपने साइन को करना चाहिए, जिससे कोई भी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेंज ना कर सके या कंपनी जो है आपका जो है अपार्टमेंट का टाइप चेंज ना कर सके। इसके बाद जो है ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट भी जो है मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप खुद ही फिलअप करके आप आगे दे दीजिए। इसके बाद में फॉर्म के अलावा जो है फॉर्म के साथ में जो चेक हम देते हैं उस चेक को फिलअप करने का भी सही तरीका मैं आपको बता देता हूं। मैं ये मेरे पास एक डेमो चेक है, सो मैंने इस डेमो चेक के ऊपर जो है फिलअप कर रखा है सारी चीजें। सो सबसे पहले आप अपने चेक को अकाउंट पे जरूर कर दीजिए, आप बिना अकाउंट पे का चेक नहीं दीजिए किसी को। साथ ही साथ जो है आप अपने चेक के ऊपर जो है डेट मेंशन करना बिल्कुल भूलिए, बिना डेट का चेक आपको नहीं देना चाहिए, आप अपने चेक के ऊपर डेट जरूर मेंशन करके दीजिए। इसके अलावा जो है चेक किस नाम पे बन रहा है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लिखा होगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो है लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो चेक बनेगा वो पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट प्राइवेट के नाम पे चेक बनना है। सो मैंने यहाँ पे जो चेक है वो पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट प्राइवेट के नाम पे चेक बनाया है। आप ध्यान रखना है कि आपको आगे और पीछे कोई स्पेस नहीं देना, अगर कोई स्पेस रह जाता है तो आपको वहां पे जो है ना क्रॉस कर देना है। इसके बाद जो है इसमें जो बुकिंग अमाउंट का चेक है वो 1,20,165 रुपए का है, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर किनारे से लिखना स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग इसको 20 से स्टार्ट करते हैं, सो आप ऐसी गलती मत कीजिए क्योंकि इससे कोई भी आगे इसमें डिजिट को चेंज कर सकता है और जो स्पेस खाली हो उसको आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो वर्ड्स पे आपने लिखा है मैंने इसको भी स्टार्टिंग से लिखा है, आपको स्टार्टिंग से लिखना चाहिए। मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है 1,20,165 रुपीज, सो मैंने प्रॉपर लिख दिया। इसके बाद जो स्पेस खाली था मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। इसके बाद मैंने चेक के ऊपर साइन कर दिया है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि चेक फिलअप करने के बाद में चेक के पीछे जो है आपको अपना नाम, जिस नाम पे आपने फॉर्म फिलअप किया है, अपना मोबाइल नंबर, अपने जिस भी टाइप के लिए अप्लाई किया उसका टाइप, जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया उस प्रोजेक्ट का नाम और अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है वो चेक के पीछे डालना बिल्कुल मत भूलिए। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।